सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। अब आप अपनी हिंदी कार्य पुस्तिका भाग एक खोलेंगे और पेज नंबर 53। बेटा, हमने आ की मात्रा तक कर लिया है अपना, पेज नंबर 50 तक चित्र देखकर शरीर के अंगों के नाम लिखो किया है ना। आप सभी को अपनी कार्य पुस्तिका यहाँ तक फिनिश कर ली होगी। आज हम करेंगे ई की मात्रा, छोटी ई है ना ये, ई की मात्रा। ओके, आ में लॉन्ग साउंड थी ना आ, और ई में शॉर्ट साउंड आएगी। ठीक है, आप सभी को देखो ये क्या लिखे हुए हैं, व्यंजन क ख ग घ च छ ज झ ह तक। जैसे हमने आ की मात्रा लगाई थी, ऐसे ही हम ई की मात्रा लगाएंगे, ई की मात्रा। ओके, कक्षा कार्य यहाँ आपको दिनांक राइट करनी है, अभ्यास कार्य में भी आपको दिनांक राइट करनी है। ओके, तो अब हम करेंगे मात्रा लगानी स्टार्ट। बेटा देखो, व्यंजन के आगे रेड लाइन लगी हुई है ना, इसके आगे लगती है ऐसे, ये होती है हमारी ई की मात्रा। ओके, ई लाइक दिस, ऐसे आपको ये ऐसे मात्रा लगानी है, ई की मात्रा। ओके, लाइक दिस। मात्रा लगाने के बाद फिर आप पढ़ेंगे की खी गी धी। ओके, अब आगे लगाएंगे चप ची, आपको साथ साथ पढ़ना भी है, ची जी। आ की मात्रा में हम ज्यादा माउथ ओपन करते थे ना, हम ई की मात्रा में कम ओपन करेंगे, जी टी ठी डी धी ती थी दी धी नी पी फी बी भी मी यी री ली वी शी शी सी, और आखिरी हमारा ही। तो बेटा ऐसे आपको ई की मात्रा लगानी है, ई शॉर्ट साउंड आएगी इसकी, आपको ई नहीं बोलना, ई की खी गी घी ची छी जी जी टी ठी डी ढी ती थी दी धी नी पी फी बी भी मी यी री ली वी शी शी सी ही। ऐसे आपको ई की मात्रा लगानी है कक्षा कार्य में भी और अभ्यास कार्य में, और मात्रा लगाने के बाद आपको ऐसे पढ़ना भी है। ठीक है, तो बेटा मात्रा ना आपको जैसे ये देखो क की ये लाइन दिखाई दे रही है, आपको ऐसे लगानी है, कुछ बच्चे ध्यान से लगाने, कुछ बच्चे रोंग लगाते हैं मात्रा ऐसे। ठीक है, सबका जो ये आखिरी आपका जो ये व्यंजन में ये लाइन होती है ना लाइक वन, इस पे जानी चाहिए आपकी मात्रा, बीच में या बाद में नहीं जाएगी। ओके, तो प्यारे बच्चों आज का आपका अभ्यास कार्य है पेज नंबर 53 एंड पेज नंबर 54, आपको दोनों करने हैं और दोनों में दिनांक भी राइट करनी है, और ऐसे मात्रा लगाने के बाद आपको इनको पढ़ना है। ओके, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।